ସଫଳତା ପରେ ଅଟକି ଯାଅନି, ବିଫଳତା ପରେ ହତାଶ ବି ହୁଅନି। ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖ, ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଲ, ସଫଳତା ଆପେ ଆପେ ଆସିବ। ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଭେଟି ଏମିତି କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଏମ୍ ମୋଦି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ, ପିଠି ଥାପୁଡ଼ାଇ ସାବାସି ଦେଲେ, ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଲେ। ଗୁରୁବାର ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆବାସରେ ଅଲିମ୍ପିଆନମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇଲେ ପିଏମ୍ ମୋଦି। शूटर मनु भाकर पीएम मोदी को एक पिस्तौल दे थे। प्रधानमंत्री जी का जो अप्रोच है स्पोर्ट्स को लेकर और खिलाड़ियों को लेकर, वो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही वो हमेशा उत्सुक रहते हैं हम सबको मोटिवेट करने के लिए, और वो कहीं ना कहीं हमें काफी मदद करता है। सेपरि रेसलर अमन शेरावत एवं हॉकी लेजेंड पीआर श्रीजेश प्रधानमंत्री को जर्सी दे थे, जेंथरे भारतीय खिलाड़ी को दस्तखत थिला। तो ओलंपिक्स ऐसा एक प्लेटफॉर्म है सर, जहाँ पे पूरा दुनिया अपना फेस्टिवल मनाता है, तो सोचा इससे अच्छा तो मौका मिलेगा नहीं, इसलिए तो एक अच्छा डिसीजन। लेकिन मैं बताता हूँ, ये टीम आपको तो मिस करेगी ही करेगी लेकिन टीम ने आपकी विदाई शानदार की, ऐसा ये टीम को बधाई है। बुरा समय देखा जी मैंने तो, मेरे मम्मी पापा 10 साल के छोड़ के चले गए थे, देश को सौंप गए थे, फिर बस यही सपना था कि उनका ओलंपिक में मेडल लाए, और मेरा भी यही सपना भाई ओलंपिक में मेडल देना देश को। तो बस यही सोच के प्रैक्टिस करते रहे, और टॉप्स और साई और रेसलिंग फेडरेशन WFI का भी बहुत योगदान रहा इस मेडल में। भारतीय हॉकी दल अधिनायक हरमनप्रीत सिंह तांको दल पक्ष प्रधानमंत्री को एक हॉकी स्टिक देते। जी बिल्कुल सर, काफी कठिन था क्योंकि पहले ही क्वार्टर में गार्ड हो गया था हमारे प्लेयर को, एंड बट आई थिंक जो कोचिंग स्टाफ है हमारे, उन्होंने काफ़ी हेल्प की है हमारी, और हम विजुलाइज करते थे कि हर सिचुएशन को, क्योंकि ओलंपिक में कुछ भी हो सकता है सर सरप्राइजली, तो हमारा माइंडसेट था कि अगर हम ऐसी कोई सिचुएशन आती भी है, जो हमारे प्लान्स हैं, हम उस पर स्टिक रहेंगे, और सारी टीम का जोश और बढ़ गया सर। सटल सेंसेशन लक्ष्य सेन पीएम मोदी को दे थे एक रैकेट उपहार। आई थिंक ये मेरा सबसे पहला ओलंपिक्स था, और मैं जो मैं एक्सपीरियंस किया वहाँ पे वो काफ़ी अच्छा था। देखिए आपको मालूम है इस बार आप एकदम से सेलिब्रिटी बन गए हो। जी सर, मेरा मैचेस के टाइम तो मैं फ़ोन प्रकाश सर ने ले लिया था और बोला कि कि अभी जब तक मैचेस नहीं हो जाते तब तक फ़ोन नहीं मिलेगा, बट यस उसके बाद आई थिंक काफ़ी लोगों ने सपोर्ट दिया, बट मैं यही कहना चाहूँगा मेरा एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था। खेलाड़ी मानंको ठारु ओलंपिक्स अनुभूति पचारी बुझिथिले पीएम, विशेषकर हॉकी खेलाड़ी 52 वर्ष पर दोहराइथिबा कारनामा को प्रधानमंत्री हृदय खोला प्रशंसा करिछंती। विनेश फोगटों सफलता को प्रशंसा करबा सह फाइनल रे पहुंची से इतिहास रचिथिबा कहिछंती मोदी। इस ओलंपिक्स में देश के लिए जो रिकॉर्ड्स बने वो देश के कोटि-कोटि नौजवानों को प्रेरणा देंगे। ओलंपिक्स के करीब 125 साल के इतिहास में ये मनु हमारी पहली बेटी ऐसी हैं जिसने भारतीय खिलाड़ी के रूप में इंडिविजुअल इवेंट में 2 मेडल जीते हैं। हमारा नीरज पहला ऐसा भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड और सिल्वर जीते हैं। भारत ने 52 साल बाद लगातार 2 बार मेडल जीते। विनेश पहली ऐसी भारतीय बनी जो कुश्ती में फाइनल तक पहुंची, ये भी हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। मुझे विश्वास है पेरिस ओलंपिक्स भारतीय स्पोर्ट्स की इस उड़ान के लिए एक लॉन्च पैड साबित होने वाला है, ये टर्निंग पॉइंट है हमारा, उसके बाद विजय ही विजय है दोस्तों, हम रुकने वाले नहीं है। सेपटे प्यारिस रे कमाल करी ओडिशा फेरिछंती ब्रोंज पदक विजेता हॉकी स्टार अमित रोहिदास। भुवनेश्वर विमान बंदर रे पहुंचिबा परे अमित को भव्य स्वागत करा जायछि। परे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी लोकसेवा भवन रे अमित को संबर्धित करिछंती, फूल तोड़ा और पढ़ोक नदे अभ्यर्थना करिछंती। अवसर में अमित रोहिदास भी भारतीय हॉकी दलर सबू सदस्यों दस्तखत एक टी सार्ट और प्यारिस आनी मास्कट को
मुख्यमंत्री को उपहार देते अमित ओडिशा गर्व एवं गौरव कहवासह आगामी ओलंपिक्स रे भारत स्वर्ण पदक जितवा नहीं कामना कर मुख्यमंत्री फाइनाली एत अपेक्षा थी पहुँचवे मत बैक टू बैक ब्रोंज मेडल जीतीछु हॉकी रे सेटा देशपाई एवं राज्यपाई बहुत खुशी कथा श्रीयुक्त मोहन चरण माझी सार मत 4 कोटी घोषणा कर बहुत बहुत धन्यवाद देवी सार को सब बेले आम सब खेल को सब सपोर्ट कर अमित रोहिदास आज सारा ओडिशा को आज आमको गौरवान्वित करिसंती जो ओलंपिक्स रे होइतुवा मैच रे से स्पेन को हराई भारत पाई कांस्य पदक हासिल करिसंती से ओडिशा रो एकमात्र हॉकी खिलाड़ी जे कि लगातार 2 थर भावे भारतीय दल को ओलंपिक्स रे कांस्य पदक जितेबारे सहाय्य करिसंती जे आगामी जो ओलंपिक्स हबो से ओलंपिक्स रे आम हॉकी दल गोल्ड मेडल जितिब से ये गोटे विराट संदेश आज आमको संकेत दौर जड़े मात्र ओडिया खेलाड़ी भाव अमित रोहिदास ओलंपिक्स रे क्रमगत पदक जीति पूर्व टोक्यो ओलंपिक्स रे ब्रोंज जीति ओलंपिक्स रे सफलता पर अमित रोहिदास को 4 कोटी टंका देवाक राज्य सरकार बड़ घोषणा करसह भारतीय हॉकी दल सब खेलाड़ी को 15 लक्ष टंका लेखाएं एवं सपोर्ट स्टाफ को 10 लक्ष टंका लेखाएं देवाक घोषणा करिसंती मोहन सरकार ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।